आपके पास और इनसे जरा पूछिएगा तो फिर कौन वो लोग थे जो इनके ट्रैक्टर रैली की शक्ल में लाल किले पर कब्जा करने के लिए पहुंच गए। इस सबके बीच आपको बता दें, दिल्ली की एक और तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सड़क पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती है, हर कोई जवान मुस्तैदी से खड़ा है, लेकिन तभी एक ट्रैक्टर वहां पहुंचता है और पुलिस वालों की परवाह किए बिना तेजी से उनकी तरफ ट्रैक्टर लेकर बढ़ता है। जान बचाने के लिए पुलिस वाले इधर उधर भागते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ट्रैक्टर चला रहा आदमी बिना परवाह किए सड़क के बीच में ऐसे ट्रैक्टर चलाता दिखा जैसे वहां कोई खाली मैदान हो। उसके जाते ही एक और ट्रैक्टर की एंट्री हुई और वो भी पहले वाले की तरह कुछ देर तक वहां पर हंगामा करके चला गया। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से तमाम पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैनात, लेकिन इस सबके बीच एक ट्रैक्टर दौड़ते हुए आता है बिना ये परवाह किए कि अगर इस ट्रैक्टर के आड़े आकर कोई पुलिस वाले को चोट आ जाती है तो फिर क्या होगा। लेकिन शायद इस बात को दरकिनार कर, नजरअंदाज कर दौड़ाते हुए ये ट्रैक्टर फिर वहां से चला गया, लेकिन पुलिस वाले देखिए किस तरीके से जान बचाते हुए इधर उधर भागने लगे। इस सबके बीच आपको बता दें, गणतंत्र दिवस पर किसानों के उपद्रव से लोगों में भारी गुस्सा है। दिल्ली के पास गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने हंगामे में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठा डाली है। केजरीवाल जैसे लोग जो राष्ट्रविरोधी लोग हैं, जो डी कंपनी से मिले हुए हैं और पूरी इंटरनेशनल साजिश के तहत आज भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है, उसके बीच में अड़चन डालने के लिए जिस तरह से लाल किले पर जो हमारे देश का सम्मान और अस्मिता का प्रतीक है तिरंगा, उसको हटा करके अपना झंडा फहराया गया है, ये बिल्कुल राष्ट्रद्रोह है। और राष्ट्रद्रोह के लिए मैं समझता हूँ कि अब सरकार को निर्णय लेना चाहिए, ऐसे लोगों को गोली से उड़ाना चाहिए जिन्होंने लाल किले को अपमानित किया है। दीपक, आपके पास आते हुए अभी आपने सुना जावेद के साथ किसान नेता ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमारे लोग नहीं थे लाल किले पर, लेकिन आप तो तस्वीरें दिखा रहे थे कल भी कि यहीं से सबसे पहले शुरुआत हुई थी, यहीं से शुरुआत हुई थी, किस तरीके से जो किसान थे वो ट्रैक्टरों के जरिए और जो रूट तय था उससे हटते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आए थे। जी गायत्री, साफ तौर पर सिर्फ हमने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके के कल हालात हो गए थे, और ये हालात किसान नेताओं ने भी देखे हैं। आज अपने बयान से मुकर रहे हैं, टीकरी बॉर्डर पर तो किसान नेता बात करने को तैयार भी नहीं है। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई साहब कल ये सब चीज़ें जो हुई हैं, ये जो तोड़फोड़ हुई है, आपने टेंट पर आग तक लगा दी, हमारे सामने 4 से 5 पुलिस वाले दौड़ रहे थे, करीबन 50-100 मीटर तक ट्रैक्टर दौड़ाया उनके पीछे, किसी की टांग पर चढ़ा दिया, एक का सर फोड़ दिया, ये सब चीज़ें उन्होंने भी देखा, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उनसे पूछा जाता है तो कोई जवाब नहीं मिलता, कहते हैं साफ तौर पर कि वो हमारे लोग नहीं थे, वो हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। लेकिन निंदा करने से क्या होगा, जब आपने ये डिसाइड किया था कि ये रूट होना है, ये रूट तय किया गया था पुलिस के साथ मिलकर, तो आपने उस रूट पर अपनी रैली क्यों नहीं निकाली। अगर कुछ किसान नेता इसको किसके खिलाफ थे तो आपने उनको क्यों नहीं समझाया, इस बात को लेकर भी किसान नेता कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति अगर आपको दिखाएं टिकरी बॉर्डर की, तो यहाँ पर फिलहाल मामला शांत नजर आ रहा है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं, अतिरिक्त जो टुकड़ियां हैं वो सुरक्षा बलों की वो तैनात कर दी गई है, जैसे कि कल गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया था, तो पुलिस फोर्स काफी ज्यादा बढ़ा